हेलो गाइस, अभी हम हैं माता वैष्णो देवी के धाम में। और जब आप यहाँ पर आएंगे ना, तो यहाँ पे वैष्णो माता के दर्शन करने के बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन करना जरूरी होते हैं। और अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। और जब आप दर्शन करने जाएंगे ना, तो आपको इस प्रकार के रास्ते से जाना पड़ेगा। और आपको ऐसी लिफ्ट भी दिखाई देंगी, आप लिफ्ट के द्वारा भी जा सकते हैं, जो कि माता वैष्णो देवी के धाम से यहाँ से नीचे से चलती है। और वो है माता का दरबार, वो आपको शायद वो आपको दिख रहा हो कोने में। इस प्रकार की लिफ्ट चलती है, जिनके द्वारा आप सीधे 2 मिनट में आप वहाँ ऊपर पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर क्लॉक रूम है, बाकी के चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं ऊपर का व्यू। और जब आप भैरव बाबा मंदिर के मंदिर की तरफ जाएंगे, तब आपको यहाँ पे निःशुल्क मुंडन सेवा भी होगी, जो कि अगर आप बच्चों का मुंडन करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों का। और बच्चों के लिए ऐसी ट्रॉली की भी सुविधा उपलब्ध होगी। ये देख सकते हैं, ये छोटी छोटी सी ट्रॉलियाँ हैं, जिनके द्वारा आप ऊपर भी जा सकते हैं। और उसी के साथ साथ भैरव बाबा मंदिर जाने के लिए 2 रास्ते दिखाई देंगे, जिसमें पहला रास्ता है सीढ़ियों से होकर के, दूसरा रास्ता ये प्लेन है, जो कि प्लेन रास्ता 2 किलोमीटर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और अभी हम चल दिए हैं, और अभी हम चल चुके हैं भैरव मंदिर के दर्शन करने। और इस प्रकार के रास्ते हैं ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर भीड़ भी बहुत कम है। और रास्ते कुछ ऐसे हैं, ऐसे रास्ते से होकर के हम जा रहे हैं। गाइस, ये पीछे जंगल चेक करो, जंगल देखो कैसा है। और भैरव मंदिर जाएंगे ना, तो ऐसे जंगल दिखाई देंगे, और ऐसे जंगल के साथ साथ ऐसे खूबसूरत खूबसूरत से नज़ारे दिखाई देंगे। इधर ऐसे है वो, वहाँ पे सामने नीचे ना माता रानी का भवन है, वैष्णो माता का। और ऐसे रास्ते हैं भैरव बाबा मंदिर के, और अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा मंदिर। बाकी यहाँ पर एक रोपवे भी चलती है, शायद आ रही, नहीं आ रही है, आती है तो आपको दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना वायर, ये रोपवे का है। और आती है रोपवे, तब दिखाते हैं आपको रोपवे। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं आधे रास्ते पे, अराउंड यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे भैरव बाबा मंदिर। और यहाँ से नज़ारा कुछ इतना खूबसूरत दिखाई देता है ना, कि जिसका कोई जवाब नहीं। अभी दिखाता हूँ, ये देखो, यहाँ से ऐसे पेड़ और पहाड़ वगैरह सभी कुछ दिखाई देंगे हैं। और वो पहाड़ी पहाड़, और नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा। और रास्ते में कोई नहीं है, यहाँ से 1 किलोमीटर है, अभी जा रहे हैं मंदिर और दिखाते हैं भैरव बाबा का मंदिर, दोस्तों देख सकते। और अब हम कुछ ऐसी लोकेशन पर आ गए हैं, यहाँ से माता रानी का भवन बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, कैमरे में जितना दिखाई दे रहा है उससे ज़्यादा खूबसूरत यहाँ से देखने में दिखाई दे रहा है। बाकी का ये है रास्ता भैरव मंदिर जाने का, बाकी का चलते हैं भैरव मंदिर। ये देखो गाइस, जब भैरव मंदिर आएंगे ना, तो ऐसे ऐसे वो मिलेंगे आपको खम्भे, जो कि पत्थरों से गिर गिर के टूट गए हैं। और जब भैरव बाबा के रास्ते में जब आप सीढ़ियों से आएंगे ना, तब आपको कुछ इस प्रकार के रास्ते दिखाई देंगे। ये जो देख रहे हैं ना, सीढ़ियाँ कुछ इस प्रकार से बनाई गई है, जहाँ से आपको फ़ोटो खींचने के लिए व्यू अच्छा अच्छा दिखाई देगा, ये देख सकते हैं आप सभी लोग। और आसपास जंगल भी मिलेंगे आपको। दोस्तों ये है भैरव मंदिर का व्यू पॉइंट, और जब आप यहाँ पर आएंगे ना भैरव मंदिर पर, तब आपको ये खूबसूरत सा व्यू दिखाई देगा। और ये देख सकते हैं, ये है व्यू पॉइंट, यहाँ से आप सेल्फी ले सकते हैं, घूम सकते हैं यहाँ पे। और आसपास की लोकेशन कुछ ऐसी है। और अभी हमें यहीं पे बाकी का यहाँ से पूरे के पूरे पहाड़ के नज़ारे दिखाई देंगे आप लोगों को। सो गाइस, फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा का मंदिर। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है भैरव बाबा का मंदिर। और माता वैष्णो देवी के मंदिर की यात्रा करने के बाद आपको यहाँ पे दर्शन करना ज़रूरी होता है, तब आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। जो कि आपको अगर आप यहाँ पर आएंगे तो लॉकर की सुविधा यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, आपके साथ में कोई होगा तो आप इस प्रकार से बैग रख के, और एक व्यक्ति बैग रख सकता है, दूसरा व्यक्ति जा कर के वहाँ पर दर्शन करके आ सकता है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भारी मात्रा में भीड़ है,
इधर कुछ ऐसे लोग हैं और इधर यहाँ पर हैं, और यहाँ पे बंदर भी बहुत सारे हैं। बाकी ये है, यही है मंदिर, और इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।